क्या एक्स्टर पंच से ज्यादा बेहतर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? इन दोनों गाड़ियों में जो फीचर गैप है, क्या वो हमें ह्यूंडई की एक्स्टर लेने पर मजबूर कर सकता है? एक्स्टर बेहतर है या फिर टाटा की पंच ज्यादा बेहतर है? दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, तो चलिए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम जगदीश है। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में हम ह्यूंडई एक्स्टर एंड टाटा पंच के बारे में बात करने वाले हैं। ना हम इन दोनों गाड़ियों को केवल कंपेयर ही नहीं करेंगे, बल्कि इनके सहारे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ह्यूंडई और टाटा आपको यानी कंज्यूमर को बेवकूफ बना रहा है, आपके पैसे लूट रहा है। इस वीडियो के कुल मिलाकर तीन मकसद है। पहला, आपको एजुकेट करना, दूसरा आपके पैसे बचाना, और तीसरा आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढना। तो अंत में आपको मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए सही फैसला कर पाएंगे कि आपको ह्यूंडई की एक्स्ट्रा लेनी चाहिए या फिर टाटा की पंच। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंट की। तो एज ऑफ नाउ इस सेगमेंट में केवल यही दो गाड़ियां अवेलेबल हैं जो एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। जहां कंपनी इनको एसयूवी क्लेम कर रही है, आप इनको एसयूवी समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, ये केवल एक सुडो एसयूवी है। नो डाउट इनमें आपको एक ट्रेंडी बॉक्सेस का डिजाइन मिल जाता है, ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, थोड़ी सी ऊंची हाई सीटिंग कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है, और एक एसयूवी फील देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये केवल और केवल हैचबैक का एक अपग्रेडेड वर्जन है, इसे एसयूवी समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। डिमेंशंस की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मामूली माइनर से डिफरेंस है। लेकिन एक्स्टर में आपको 391 लीटर का बूस्ट स्पेस मिलता है, जो कि 25 लीटर ज्यादा बड़ा है पंच में मिलने वाले 366 लीटर बूस्ट स्पेस से। बावजूद इसके कि पंच लेंथ में और विड्थ में एक्स्टर से ज्यादा बड़ी है। इंजन के बारे में बात करें तो एक्स्टर में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 83 पीएस की पावर जनरेट करता है और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड पीएमटी ट्रांसमिशन मिल जाता है। सेम इंजन आपको सीएनजी के साथ में 69 पीएस की पावर जनरेट करेगा और 95.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। यहां पर आपको केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। दूसरी ओर टाटा की पंच में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि 87.8 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। टाटा पंच के 3 सिलेंडर इंजन में 18.8 केएमपीएल से लेकर 20 केएमपीएल तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। वही ह्यूंडई की 4 सिलेंडर इंजन में आपको 19.4 केएमपीएल से लेकर 27 केएमपीएल तक कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। इसमें सीएनजी का माइलेज भी शामिल है। नो डाउट ह्यूंडई की एक्स्टर में 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से इसका रिफाइनमेंट और इसके एनपीएस लेवल आपको ज्यादा बेटर और स्मूथ महसूस होते हैं। बिल्ड क्वालिटी पर नजर डालें तो टाटा की पंच को ऑलरेडी ग्लोबल एनसीएफटी क्रैश टेस्ट रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग्स मिल चुकी है। वहीं एक्स्टर का क्रैश टेस्ट होना अभी भी बाकी है। ऐसा लगता है कि टाटा की किसी भी कार को दुनिया की किसी भी क्रैश टेस्ट एजेंसी के पास भेजेंगे तो वो कम से कम 5 स्टार रेटिंग्स को लेकर आएगी ही। ऐसा माहौल टाटा ने देश में बना दिया है, बड़ा कॉन्फिडेंट सा और प्राउड सा फील होता है। हालांकि सभी एजेंसीज के नियम जो है वो अलग अलग होते हैं, और ये मुमकिन नहीं कि सभी के सभी टेस्ट में आपको 5 स्टार रेटिंग मिल जाए। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर्स से। फॉलो मी होम, प्रोजेक्टर एंड ऑटो हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैंप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स विद एलईडी टर्न इंडिकेटर, रूफ रेल्स, ड्यूल टोन रूफ कलर ऑप्शन, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, स्मार्ट कीलेस एंट्री, एबीएस प्लस ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, टिल्ट स्टीयरिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑल फोर पावर विंडोज, वन टच डाउन ड्राइवर साइड विंडो, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा, डिस्प्ले एंड ऑडियो, रियर स्पॉइलर, कूल ग्लव बॉक्स एंड इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। अब बात करते हैं टाटा की पंच में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको ह्यूंडई की एक्स्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर्स से। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, फ्रंट फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, 7 इंच टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, एक्स्टर में 8 इंच HD मिलेगा, 16 इंचेस अलॉय व्हील्स, एक्स्टर में 15 इंचेस मिलेंगे, सिटी एंड इको ड्राइव मोड्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ग्लोबल NCAP 5 स्टार
क्रैश टेस्ट रेटिंग्स। अब बात करते हैं Hyundai की एक्स्टर में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा की पंच में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले फ्रंट एंड रियर सिल्वर स्किड प्लेट, शार्क फिन एंटीना, स्पोर्टी मेटल पेडल्स, फैब्रिक प्लस लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, 8 इंच HD टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद ब्लू लिंक, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, होम टू कार, बेसिकली कनेक्टेड कार फीचर्स वाया अलेक्सा Amazon Echo। लेकिन ये स्टैंडर्ड एक्सेसरी का पार्ट नहीं है, कस्टमर को इसे थर्ड पार्टी से खरीदना पड़ेगा। और इसकी कॉस्ट एक शोरूम में इंक्लूडेड है या नहीं या फिर आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो प्लीज कमेंट बिलो। इलेक्ट्रिक सनरूफ, पेडल शिफ्टर्स, वायरलेस फोन चार्जर, 3-point seat belt for all passengers, dash cam with dual camera, tire pressure monitoring system, i-line, electronic stability program, hill assist control, vehicle stability management and 6 airbag standard across all the variants। जहां तक प्राइसिंग की बात है तो टाटा की पंच 6 लाख रुपए से शुरू होकर 9,52,000 रुपीस के बीच में मैनुअल ट्रांसमिशन के 14 और AMT के 12 यानी कि कुल मिलाकर जबरदस्ती की घुसेड़े हुए 26 वेरिएंट ऑफर करती है। वही Hyundai की एक्स्टर में आपको 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10,10,000 रुपए के बीच में 17 अलग अलग वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये वेरिएंट की लिस्ट जानबूझकर बिना वजह के लंबी की गई है ताकि प्राइसिंग बढ़ाई जा सके और आपके पैसे ज्यादा लूटे जा सके? आपको क्या लगता है, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मेरी राय में आपको इन दोनों में से किसी भी कार को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए और ये मैं आपको 6 पॉइंट पर बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि दोनों कंपनीज आपको बेवकूफ बना के लूट रही है। हो सकता है 20 मिनट का जो वेटिंग पीरियड है उसे जानबूझ के लंबा यानी कि ज्यादा किया गया हो ताकि आपको अपर वेरिएंट पुश किया जाए और आप मजबूरी में इसे खरीदें, और इसीलिए बिना काम के फीचर्स पुश के फीचर और वेरिएंट की जो लिस्ट है उसे जानबूझ के लंबा किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। वैसे इसमें कुछ गलत नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, कंपनीज है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना उनका गोल है, लेकिन हमें अपने पैसे को समझदारी और सोच से इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोनों गाड़ियों में केवल 20 से 25 वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन के फीचर्स हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी सब बेतुके फालतू के फीचर्स हैं जो लिस्ट लंबी करने के लिए इसमें घुसा के रखते हैं और असल में ये फीचर्स भी नहीं है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो पेंटेड ब्लैक रेडिएटर ग्रिल, पेंटेड ब्लैक रूफ रेल्स, पेंटेड ब्लैक रियर स्पॉइलर, पेंटेड ब्लैक सीट पिलर गार्निश, ए पिलर ब्लैकआउट टेप, बी पिलर एंड विंडो लाइन ब्लैकआउट टेप, फ्रंट एंड रियर मड गार्ड्स, पेंटेड ब्लैक एसी विंड्स, इंटीरियर गार्निश 3D पैटर्न, क्रोम गार्निश ऑन गियर नॉब एंड पार्किंग लीवर टिप जैसे कुछ ऐसे फीचर्स इस फीचर लिस्ट में घुसाए गए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 10 लाख रुपए के रिटर्न में आपको वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ना ही ये दोनों गाड़ियाँ 10 लाख के प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। Both are absolutely overpriced under properly planned strategy with unnecessary extended number of features and extended number of variants. Next point है दोस्तों, अगर आप एक better road presence, big bold SUV, better space and comfort, better build quality and better ride and handling वाली कार चाहते हैं तो इन गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस में आपको टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV300 जैसी कार्स के कुछ बेहतरीन वेरिएंट्स मिल जाएंगे जो कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होते हैं। अगला पॉइंट, इनफैक्ट एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगाकर यानी 10 लाख रुपए 81,000 की एक शोरूम कॉस्ट में आप इंजी की एस्टर का बेस वेरिएंट ले सकते हैं जो आसानी से अवेलेबल भी है। दो सेगमेंट ऊपर की आपको कार मिल जाएगी विच कम्स विद मिनिमम 27 सेफ्टी फीचर्स फ्रॉम बेस वेरिएंट। यूरो इनकैप 5 स्टार रेटिंग इसके प्लेटफॉर्म को मिल चुकी है। यूरोपियन स्टाइलिश क्रॉसओवर डिजाइन मिल जाएगा, मोर स्पेस एंड बेटर कंफर्ट मिलेगा, बेटर इंजन मिलेगा, बेटर रोड प्रेजेंस एंड बिग बोल्ड एसयूवी मिल जाएगी, बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी एंड बेटर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कई जगहों पर जो दो वेरिएंट है यानी कि बेस वेरिएंट है मान लीजिए और उसके ऊपर का वेरिएंट है या फिर उसके ऊपर का अलग अलग वेरिएंट्स के बीच में जो प्राइस गैप है वो लगभग 70,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, और इतने में आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो फीचर्स आपको बिल्कुल इस प्राइस गैप को वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन नहीं लगेगी और इसे जस्टिफाई नहीं करेगी।
आप में से कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि मुझे यही कार पसंद है, मुझे इसका डिज़ाइन पसंद है, मुझे इसका कलर पसंद है, मेरा इसमें फील आ गया, अगर ऐसी कुछ सब्जेक्टिव चीज़ें हैं जिसकी इसमें कुछ नहीं कर सकते, और केवल ऐसी और ऐसी ही सिचुएशन में अगर आप और मैं फंसते हैं, तो ही इन दोनों गाड़ियों से मैं आपको Hyundai की एक्स्टर रेकमेंड करूंगा। और इस चॉइस का पूरा क्रेडिट जाता है 8 इंच टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, पेडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, डैशकैम विद ड्यूल कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हील होल्ड असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम एंड 6 एयरबैग अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। इन सभी चीज़ों की वजह से ही मैं आपको केवल एक्स्टर रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये सारे फीचर्स उसे एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाते हैं। जब तक टाटा की पंच अकेली थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब Hyundai की एक्स्टर आने के बाद भी आपको टाटा की पंच को तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन Hyundai की एक्स्टर को किसे खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए और कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, इस पर अगले 2-3 दिनों में रोज एक एक करके मैं वीडियोस की एक कंप्लीट सीरीज बनाने वाला हूं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की ध्यान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू गाइज़।